हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो एनडीए 2 और टीईएस को लेकर है। इसके अलावा नेबीटेक और एक्सवाई इन सब के भी जब जब एग्जाम्स की डेट्स आएंगी, प्रिपरेशन प्लान वो सारा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सेशन का जो पर्पस है मैं बता दूं कि अभी मैंने जो पिछला टीईएस के ऊपर एक सेशन लिया था उसमें आपने कई सारे डाउट भेजे थे, तो मैं वो आपके डाउट्स, आपने जो क्वेश्चन भेजे थे वो और बेच नंबर 2 के साथ कैसे जुड़े एनडीए 2 नवंबर के लिए और आपको क्या क्या करना चाहिए वो सब सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूं। तो मैं आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं उनको बताता हुआ चलता हूं, तो उसके साथ आप समझ जाएंगे। जैसे आप में से एक बच्चे ने बोला है कि सर एनडीए टेस्ट फ्रॉम क्लास 10th के लिए एक सेशन लें, इसके लिए मैं बिल्कुल अगले वीक में ही आपके साथ एक सेशन लेने वाला हूँ। अगर आप क्लास 10th में, 9th में या 11th में हैं तो डिफेंस के लिए किस ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्लियर कर सकें, वो एक सेपरेट सेशन होगा। फिर एक बच्चे ने भेजा है कि फिजिक्स में सर मेरे 63 मार्क्स हैं, सपोज फिजिक्स में 63 हैं, केमिस्ट्री में 74 हैं और मैथ्स में 77 हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? यस, ऑब्वियसली। एक चीज़ समझिए, पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने पिछले सेशन में भी बोला था और सारे अभी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ कि टी एस के लिए पीसीएम में 70% मांगते हैं और अगर आपके इन तीनों में एग्रीगेट मिला के 70% होता है तो आप इसका मतलब एलिजिबल हो। जैसे अब आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, जब आप तीनों नंबर को ऐड करोगे इधर का 7 जोड़ो 140 नंबर है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे यानी 70% के ऊपर है, ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है टीएस का वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एनडीए 2 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा सेशन एंड तक जरूर देखिएगा। फिर एक बच्चे ने लिखा सर आई गॉट 95% इन पीसीएम, हाउ शुड प्रिपेयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू फॉर टीएस 42। ऑब्वियसली अगर 95% पीसीएम में है तो आपका कॉल आएगा ही आएगा, और आपको एसएसबी के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है इसके भी अब रेगुलर सेशंस आपको वीकली मिलेंगे। जैसे क्लास में इस बार हमने रेगुलर एनडीए 2 बैच में एसएसबी सेशन जो 20 मई से हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए 2 के लिए, उसमें एवरी वीक एसएसबी के सेशंस रहेंगे और बहुत स्पेशल सेशन रहेंगे, क्योंकि एसएसबी में मेरा मानना यह है कि एसएसबी की प्रिपरेशन केवल आप सोचें कि अलग से 10 या 15 दिन की ट्रेनिंग से कर लें, ऐसा नहीं होता। वो एक एटीट्यूड है जो आपको डेवलप करना है। तो ये जो 6 महीने है क्लासरूम कोर्स चलेगा, उस 6 महीने में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, किस ढंग से आपको स्क्रीन टेस्ट को क्वालिफाई करना, इवन जो फर्स्ट है आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, आपकी हॉबीज पे आपका कमांड कितना होना चाहिए, यानी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इमेज देख के आपकी स्टोरीज कैसी होंगी, तो इन सब पे आप रेगुलर आपको सेशंस मिलेंगे, तो वो सेशंस आप समझेंगे। पर आपके अगर 95% है तो आप बिल्कुल ऑब्वियसली अगर 95% आपके पीसीएम में है तो आपको टीएस के एसएसबी के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। बट एक चीज़ और बोलूँगा इसके साथ साथ कि एनडीए 2 का एग्ज़ाम तो देना ही है, राइट? क्योंकि इसमें जब एसएसबी का कॉल आएगा उसके पहले इसके बीच में काफ़ी टाइम होता है, वो भी मैं बताता हूँ। फिर सर पीसीएम में 92% है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि मैं कॉमर्स से हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ टीएस के लिए? आर्मी में एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, इंडियन आर्मी में कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी जा सकता है, आर्ट्स वाला भी, बट वो टीईएस के थ्रू नहीं जा सकता। टीईएस के थ्रू केवल वो जा सकता है जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। इसका मतलब आपको एनडीए की प्रिपरेशन करनी होगी, राइट? फिर क्या गर्ल्स के लिए है? तो अभी मैं आपको बता दूँ कि गर्ल्स को अगर इंडियन आर्मी में जाना है तो उस या डिफेंस में जाना है तो उसके लिए फिर उसको सीडीएस देना होता है, अभी 12th के साथ एंट्री नहीं होती। सर एनडीए 2 की स्टडी कब से स्टार्ट करेंगे? एनडीए 2 की स्टडी का भी मैं प्लान बता देता हूँ आपको। तो ये जो आपके डाउट्स हैं इनके ऊपर ये पूरा सेशन है, और आप जब मैंने आपसे बोला था कि अब आप जो भी डाउट भेजेंगे तो मैं आपके साथ में सेशन डिस्कस करता चलूँगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो पहले तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। नंबर 1 कि एनडीए 2 के लिए बैच हम लोग 20 मई से स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑनलाइन कोर्स से आप कैसे जुड़ेंगे ये भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना और ऑनलाइन कोर्स का मीनिंग क्या है वो समझा दूँ। पहले सबसे पहले बात करता हूँ टीईएस की। तो टीईएस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पीसीएम में 70% होती है। नॉर्मली 70% वाला अप्लाई कर सकता है joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाके। मैं इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट का, वहाँ से क्लिक करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नंबर 1 थिंग कि ये 9 पेज का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप पूरा निकालिए, बहुत अच्छे से रीड करिए, उसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं
कि मेडिकली किस तरह से आपको फिट होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स अगर आप में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इसकी एज लिमिट दी हुई है, जैसे 69.5 to 90.5, स्टार्टिंग डेट है 1 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2003, और वो भी केवल जो 10th की मार्कशीट में होगा वही कंसीडर किया जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट से कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप इस डेट के बीच में हैं इंक्लूडिंग 1 जुलाई 2003 तक, राइट। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हाइट के साथ वेट को चेक किया जाता है। अगर आपकी एज 16 to 17 ईयर है और आपकी हाइट 152 है तो आपका वेट होना चाहिए 14.42.5 kg, प्लस माइनस 10% वो कंसीडर करते हैं। अगर यही हाइट है पर आपकी एज है 17 to 18 ईयर तो आपका वेट होना चाहिए 44। यानी हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कहीं घबराना नहीं, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें। इवन नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 90 वैकेंसीज के लिए 90 बच्चे फाइनली सिलेक्ट होते हैं, पर इसमें भी उन्होंने बोला है कि इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि SSB में जिन बच्चों को बुलाया जाता है कई बार पूरा का पूरा बैच भी आउट हो जाता है, ऐसा भी होता है, क्योंकि जो क्राइटेरिया उनका है सिलेक्शन का वो क्वालिटी अगर आप में है तो ही आप सिलेक्ट होगे। पर अप्रोक्सीमेट 90 सीट्स होती है, यानी हर चीज़ दी हुई है। फिर आपकी प्रमोशंस कैसे होंगे, रैंक क्या होगी, किस रैंक पे क्या क्या सैलरी होगी, हर एक छोटी छोटी चीज़ दी है। SSB का प्रोसीजर क्या है, 10th के सर्टिफिकेट आपको देना है, 12th का सर्टिफिकेट देना है, मार्कशीट ओरिजिनल देना है, ID प्रूफ ओरिजिनल देना है, यानी ID प्रूफ में आपका पर SSB का वो होना चाहिए, सारी आधार कार्ड, यानी हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैंने पिछले सेशन में भी यही बोला था, अभी भी बोलूँगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को हो सके तो प्रिंट निकालें और फिर एक एक चीज़ पढ़ें। अब इसके अलावा कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन बोला था, जैसे महाराष्ट्र पोस्ट का भी रिजल्ट नहीं है, महाराष्ट्र पोस्ट के हमारे पास बच्चे आ रहे हैं जो NDA बैच ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, हम कैसे अप्लाई करें, हो सकता है किसी और भी स्टेट का रिजल्ट ना आया। सबसे पहली बात ये कि इसकी डेट है 10th मई से स्टार्ट हो रही है, 8 जून तक है। जैसे महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट 27 मई को आने वाला है, तो ये 8 जून तक रखने का पर्पज़ ही यही होता है, 8 जून तक रखने का पर्पज़ ही यही है कि अगर आपका रिजल्ट जैसे ही 27-28 को आए, आप अगर 70% के ऊपर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और किसी भी स्टेट का रिजल्ट 5 जून तक आ जाएगा, तो इसलिए आपको उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि वो क्या करते हैं। सबसे पहले जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया होता है उन बच्चों में से वो सिलेक्ट करते हैं टॉप ऑर्डर में, मतलब अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो अभी तक हम जो देख रहे हैं PCM में अगर आपके 80% है तो आपके पास कॉल आने के चांस है, बिलो 80 है तो कम है, अबव 85% है तो वो प्रोबेबल चांस है, अब 90% है तो मैं बोलूंगा कि श्योर ही है आप, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। तो इसका कोई थंब रूल नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप ये मत सोचिए कि अगर आपके 85% है तो आपके पास कॉल आ जाएगा, और आप ये भी मत सोचिए कि आपके 80 है तो कॉल नहीं आएगा, डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, राइट। तो जैसे उनको 90 वैकेंसीज है, हो सकता है 90 वैकेंसीज के लिए वो 300, 500 या 1000 स्टूडेंट को कॉल करें। अब आप सोचिए कि जब इतने लोगों को कॉल करेंगे 2000 को, तो आप जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें जो ऊपर के 2000 बच्चे होंगे वो करेंगे, तो आप टॉप में कितने ने किया है, बॉटम में कितने हैं आपको पता नहीं होता, इसलिए उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया 70% रखा, उसके ऊपर जितने नंबर परसेंटेज वाले बच्चे हैं उसको वो शॉर्टलिस्टेड करते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को SSB के लिए बुलाया जाता है, उसकी सिटी भी दी है कि इन 4 सिटीज में आपको बुलाया जाएगा, उसमें एक भोपाल है, एक इलाहाबाद है, एक पंजाब है, और एक बैंगलोर का भी एक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, उसमें जो सिटीज़ दी हुई हैं इसमें मेंशन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ आपको इसके लिए बुलाया जाएगा। तो हर एक वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपसे बोला था इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि आपको बुलाया जाएगा, तो 4 सिटीज़ में आपको इसके इंटरव्यूज़ के लिए जाना रहेगा, राइट। अब बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन किस ढंग से की जाए। तो देखिए ये दिया हुआ है इलाहाबाद, एक इलाहाबाद है, एक भोपाल है, एक बैंगलोर कर्नाटक, और एक कपूरथला पंजाब। यहाँ पर आपका साइकोलॉजी टेस्ट, टेस्टिंग ऑफिस, इंटरव्यू,
ये सब आपकी होगी, यानी आपको पूरा डिटेल जब दिया हुआ तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके बाद भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन के बाद भी आपको पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड करना चाहिए, समझना चाहिए। फिर भी कोई डाउट आया तो आप मुझे भेजोगे तो मैं आपके साथ सेशन लूँगा। अब बात आती है, दो तीन क्वेश्चन ये भी थे बच्चों के कमेंट्स कि सर TES में जैसे हमारे 90% कॉल आ जाएगा तो हम केवल SSB पे फोकस करें, ND2 भी देना चाहिए। तो मैं दो चीज़ें बता दूँ। नंबर वन, 8 जून तक तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद वो शॉर्टलिस्टेड करेंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, राइट। अब ये प्रोसेस होते होते जून भी खत्म हो जाएगा, हो सकता है जुलाई भी। अब सपोज 90 सीट्स के लिए हैं, कैंडिडेट ज़्यादा आते हैं, अगर आप किसी भी समय SSB में आउट हो गए तो आप फिर ND2 के लिए 2 महीने पीछे हो जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको इमीडिएटली और जून में ND1 का भी रिजल्ट आ जाएगा, वो भी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ND1 को क्लियर करने के बाद भी मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ कि आपको NDA, अगर आपको डिफेंस में जाना है तो हर स्टेज में आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि SSB के साथ साथ रिटर्न टेस्ट के लिए भी अपने आपको बिल्कुल फोकस रखना है, क्योंकि इन केस आप SSB में आउट होते हैं तो आपके पास अगले ऑप्शन में आप पीछे ना हो जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो ऐसे में मैं आपको बोलूंगा कि ND2 की प्रिपरेशन आपको बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए, साथ में SSB के लिए भी आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। अब प्रिपरेशन आप सेल्फ भी कर सकते हैं और इम्पिटस गुरुकुल के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि ऑनलाइन कोर्स से कैसे जुड़े, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो ND2 का बैच है वो 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट बैच है, हो सकता है ये बैच क्योंकि फुल होने वाला है तो सेकंड बैच हम स्टार्ट करें, पर अभी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बैच में होता ये है कि जब बच्चे अब इस बार आ रहे हैं हमारे पास तो नॉर्मली सुबह 8 o'clock पे आएंगे और रात को 8 o'clock तक यहीं एकेडमी में ही रहना होगा। इसमें मिनिमम 6 hours की क्लासेस होंगी। तो जब आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़ेंगे तो ऑनलाइन कोर्स में हम लोग आपको मैथ्स के कम्प्लीट वीडियो ट्यूटोरियल प्रोवाइड करेंगे और साथ में GS का सपोर्ट देंगे, GS के भी वीडियोस होंगे। और जिस ऑर्डर में क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा वो ऑर्डर और वो सीक्वेंस आपको बताते चलेंगे, आपको वो सीक्वेंस ही घर पे फॉलो करनी है। अगर वो आपने सेल्फ डिसिप्लिन के साथ सीक्वेंस फॉलो की तो आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, राइट। जैसे मैथ्स में मैं पहले एलजेब्रा स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, जैसे लॉगरिथमिक हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इक्वेशन हुआ, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, बाइनोमियल, प्रोग्रेशन, एक्सपो, लॉग, ये पोर्शन। जब एलजेब्रा खत्म होगा तो ट्रिग्नोमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा तो कैलकुलस होगा, कैलकुलस खत्म होगा तो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट खत्म होगा तो स्टेटिस्टिक्स होगा और फिर मिसलिनियस। इसी तरह से GS में ज्योग्राफी से स्टार्ट किया जाएगा और इसी तरह से फिजिक्स में बेसिक टॉपिक्स, ऐसे सारी चीज़ें आपको हम लोग टाइमली बताते चलेंगे। तो नंबर वन थिंग कि आप या तो क्लासरूम कोर्स के लिए आना चाहें तो आ सकते हैं, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप ये प्लान कर सकते हैं, पर अगर आप 11th 12th में, तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप ऑनलाइन कोर्स से घर पे ही पढ़ाई करें। दूसरा, जो जो टेस्ट यहाँ पर होंगे, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो जो टेस्ट यहाँ पे होंगे, क्लास टेस्ट और वीकली संडे टेस्ट, वो टेस्ट भी अगर आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़ते हैं तो मिलेगा। पर ऑनलाइन कोर्स का मतलब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिए कि वीडियो कोर्स है जो आपको एक बार में पूरा कोर्स मिलेगा, पर जो रेगुलर अपडेट होगा वो थ्रू वेबसाइट आपको रेगुलर मिलता रहेगा। जब आप यहाँ पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो जाएंगे तो जो जो चीज़ें अपडेट होंगी, जो जो न्यू वीडियोज़ बनते जाएंगे, जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनके भी डिस्कशंस होते हैं, तो वो डिस्कशन वीडियोज़ भी आपको वेबसाइट के थ्रू रेगुलर मिलते रहेंगे। तो आपको और साथ में SSB के भी जो सेशंस यहाँ पे होंगे वो सेशंस भी मैं आपको बताता चलूँगा, आपको अपने लेवल पे उसके लिए तैयारी करनी होगी। दूसरा, आपको अपनी एक आदत, मैं सबको बोलूँगा जो यहाँ पे बच्चा है उनको भी घर पे भी, कि आपको एक अगर डिफेंस में जाना है तो एक डिसिप्लिन लाइफ की आदत डालना चाहिए। सुबह उठ के 3 से 4 किलोमीटर की रनिंग करने की आदत डालिए, 15 मिनट में आपको 4 किलोमीटर की रनिंग करना चाहिए, सिटअप, पुशअप, ये सब आपकी एक रेगुलर एक्सरसाइज वर्कआउट होना चाहिए। उसके बाद आपका एक रूटीन टाइम टेबल पढ़ने का होना चाहिए, रूटीन रहने का तरीका होना चाहिए, यानी एक आपको बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीने की जब आदत पड़ती है तो ये चीज़ SSB में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। बॉडी लैंग्वेज, कोई स्पोर्ट्स से अगर आप ज्वाइन हो सकते हैं तो बहुत अच्छा। देखिए, जब हम IIT की बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट पर बेस्ड है, पर जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो आपको इन ऑल पूरी, मतलब आपके करंट अफेयर्स बहुत क्लियर होना चाहिए, करंट इवेंट क्या हैं, इन इवेंट्स पे आपके थॉट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। यानी आपको दुनिया से जुड़ना है और दुनिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं उस पे आपके थॉट्स क्या हैं। जैसे SSB में आपको कुछ इमेजेस दी जाती हैं, उस पे आपको स्टोरी लिखना है, तो ऐसी इमेजेस हम आपको पोस्ट करेंगे, उन इमेजेस पे आप स्टोरी लिखिए, वो स्टोरी आपकी अपने थॉट्स से होना चाहिए, राइट। आपका इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से देना आना चाहिए। जब आप बोलते हैं हॉबी मेरी ये, मेरी हॉबी क्रिकेट है, मेरी हॉबी फुटबॉल है, मेरी हॉबी
हॉकी है, तो आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारी होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्टिफिशियल हो जाए या रट रटे के करें। यानी ये सब चीज़ें आपको अपने लेवल पर डेवलप करना चाहिए। इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कोई भी सिचुएशन को आपको हैंडल करने की आदत होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स आपके अंदर होना चाहिए, राइट, पॉजिटिव आपको होना चाहिए, हर सिचुएशन को आप हैंडल कर सकें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप घर पे करते हैं तो वो आपको डेवलप करनी है, और साथ में रेगुलर स्टडी करनी है। अगर आप रोज़ 6 आवर, क्योंकि जैसे एकेडमी में 6 to 7 आवर की क्लास है, तो 6 आवर की सेल्फ स्टडी भी, यानी 12 से 13 घंटे बच्चे जब यहाँ रहते हैं तो उसका एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी आपका ND2 का रिजल्ट आएगा, ये तीसरा बैच जो हम स्टार्ट करेंगे इस बार, तो हम CDS का भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो हर एक चीज़ जो क्लास में हो रही है उसकी आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिससे कि आप उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैथ्स में 30 टॉपिक्स हैं, मैं आपको बोलूँगा कि हर एक टॉपिक को मैथ्स में 1 वीक में कवर करना है, पर कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कम टाइम लेते हैं तो उनको आपको 2-3 डेज में करना है, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो 10 डेज लेते हैं। यानी ऑन एन एवरेज मैंने 1 वीक बोला, पर ये 1 वीक थंब रूल नहीं है, डिपेंड ऑन कि आप कितना कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़ते हैं तो आपके वीडियोज़ होते हैं, तो कई बच्चे एक टॉपिक को, इसीलिए मैंने बोला, 3 दिन में भी कवर करते हैं, कुछ 6 दिन में भी नहीं कर पाते, क्योंकि टॉपिक कवर करना मतलब पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ उसके एप्लीकेशंस आने चाहिए, उसके रिजल्ट होना चाहिए। पढ़ो ऐसे कि नॉलेज आपकी बढ़े, मज़ा आए, आपको इंटरेस्ट के लिए पढ़ाई करना चालू करो। देखो, आप जब इंटरेस्ट के लिए पढ़ोगे, एक्चुअल में आप डिफेंस में क्यों जाना चाहते हो, अगर ये थॉट क्लियर होंगे तो ही आप SSB क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। पेरेंट्स के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, कंट्री के लिए भी, पर कंट्री के लिए किस लेवल पे, क्योंकि कंट्री के लिए कुछ करने के लिए जरूरी नहीं कि डिफेंस में ही जाएं, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, पर आप क्यों डिफेंस में जाना चाहते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये विजन आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता चलूंगा, तो आप बिल्कुल फोकस रखिए। जो जो आपने TES के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर बोलूंगा कि 70% के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कॉल आने के चांस नॉर्मली 80% के ऊपर रहते हैं, बट ये कोई थंब रूल नहीं है, 75 वाले के भी आ सकते हैं, 72 के भी आ सकते हैं, और हो सकता है 85 वालों के भी ना आए, डिपेंड ऑन कि कितने लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेबीटेक का भी जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा वो भी मैं दूंगा, जिसका JEE मेंस के थ्रू आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से XY ग्रुप का भी आपको मैं बताता हुआ चलूंगा। और सबसे मेन बात है कि अगर आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हर तरह के एग्जाम्स की, डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप 11th-12th में हैं तो NDA के लिए फोकस करें, अगर आप 12th क्रॉस कर चुके हैं, एज निकल गई, तो फिर अगला है CDS, क्योंकि बाकी सब चीज़ें इससे रिलेटेड ही होती हैं। तो सीधा आप अच्छे से पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए। कोई भी अभी डाउट हो तो आप मुझे भेजिए, मैं आपके वीकली, क्योंकि इस बार सेशन लूँगा, अभी 20 से जो बैच स्टार्ट हो रहा है अभी, अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और जो पिछले सेशन में जुड़े थे, उनको इस वीक संडे से नहीं, नेक्स्ट संडे से टेस्ट मिलने फिर से चालू हो जाएंगे। और केवल संडे टेस्ट नहीं, क्लास के वीक में भी जो इस बार टेस्ट होंगे वो भी आपको मिलेंगे। तो आपको रेगुलर अपडेट में करता रहूँगा। बस एक ही बात ध्यान रखिए कि पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करना है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से, कहीं पे भी निगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए अगर किसी भी एग्जाम्स के लिए। और दूसरा, नॉलेज के लिए वर्क करें, हर एक चीज़ के लिए थॉट्स डेवलप करें, आपके उसके एप्लीकेशंस आपको समझ में आए। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख के चलोगे तो आपको कभी भी कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।